उनके बॉडीगार्ड थे और कुछ परिचित और साथी वकील जो अब उन्हें लेकर पहुंच चुके हैं जोधपुर एयरपोर्ट पर। यहाँ सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं, पहले भी जिस तरीके से उनकी लीगल टीम ने तेजी दिखाई थी, कितनी जल्दी से बेल उन्हें दी गई, उस बेल ऑर्डर को पहुंचाया गया जेल, वहां से सलमान खान को लेकर सब बाहर निकले। और एक बार फिर देखिए ये गाड़ी उनकी जो पहुंची थी अंतिम लैप में, चूंकि वहां पर कुछ ऐसे लोग थे जो कि भले ही जो हवाई यात्रा कर रहे थे वैसे लोग वहां पर मौजूद थे पहले से, इसीलिए पहले से एक सुरक्षाकर्मी उनकी गाड़ी पर चढ़ा बाहर से और उसके बाद वहां से सलमान खान को एस्कॉर्ट करके उस भीड़ से बचाते हुए सीधा एयरपोर्ट के भीतर ले जाया गया। अब वो जा चुके हैं एयरपोर्ट के भीतर, ये बस कुछ पल पहले की तस्वीर है जिसमें सलमान को एस्कॉर्ट करके और भीतर जाते हुए भीतर ले जाया गया है। वहां पर मीडिया कर्मी कुछ मौजूद थे जरूर, जहां तस्वीरें ली जा रही सलमान खान की, जिसके जरिए आप ये तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे हैं। और सलमान भीतर दाखिल हो गए। मुंबई से खबरें ये आ रही हैं कि वहां पर उन्हें 7:30 बजे तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सलमान खान मुंबई में लैंड कर जाएंगे। जाहिर है जब एक सुपरस्टार की बात आती है तो लोग ये भी देखते हैं कि क्या पहनकर जेल गए थे, क्या पहनकर निकल रहे हैं, तो इसीलिए हर चीज का बखान आप सुन सकेंगे अपने चारों तरफ जो भी आवाजें आपको मिल रही हैं। लेकिन सलमान के दिमाग में तो सिर्फ यही चल रहा होगा, क्योंकि 20 साल से इस एक केस में जितनी लंबी उन्हें सजा नहीं मिली है उतना ज्यादा समय निकल चुका है। कई दफा अलग अलग मामलों में जेल की सैर कुछ कुछ दिनों की उनकी हुई है, इस दफा 2 रातें उन्होंने जेल में काटी हैं। और आज जैसी कि उम्मीद जताई जा रही थी कि 6 बजे तक होगा, तो करीब करीब 5:40 के आसपास सलमान खान जेल से निकलकर सीधा एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। बहुत ज्यादा दूरी का रास्ता नहीं है और रास्ते को और ये देखिए सलमान खान को भीतर ले जाते हुए एक सुरक्षा घेरा उनके चारों तरफ बनाया गया ताकि कोई पास न आ पाए उनके, क्योंकि सब जानना चाहते थे कि सलमान खान के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। लेकिन उन्हें एस्कॉर्ट करते हुए एयरपोर्ट के भीतर दाखिल कराया जा चुका है जहां से मुंबई के लिए वो रवाना होंगे। सलमान खान की जब बात आती है तो भावनाएं जुड़ती हैं करोड़ों फैंस की, पैसे करोड़ों रुपए जुड़ते हैं अनेकों प्रोड्यूसर्स के और दिलचस्पी जुड़ती है पूरी दुनिया की। यही है सलमान खान जिन्हें 5 साल की सजा हुई है काला हिरण शिकार मामले में, लेकिन वो सजा अब सस्पेंडेड है और बेल फिलहाल उन्हें मिल चुकी है। बिश्नोई समाज ने कहा है कि वो हाईकोर्ट जाएंगे इसके खिलाफ, लेकिन देखना है आगे क्या होगा। इतना तो साफ है कि पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है सलमान खान के लिए। सलमान खान को राहत अभी जरूर मिली है, लेकिन कितने समय के लिए ये नहीं अभी मालूम है। पर फिलहाल मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं। मुंबई में भी फैंस उनके स्वागत का इंतजार कर रहे हैं, कोई गाना गा रहा है, कोई ढोल बजा रहा है, इंतजार सबको है कि सलमान खान कितनी देर में मुंबई पहुंचते हैं। और अब ये तस्वीरें बारंबार की हो चुकी हैं उनके फैंस के लिए। प्राइवेट जेट की व्यवस्था है जो लेकर उन्हें उड़ान भरेगी जोधपुर से मुंबई की। सुरक्षा की व्यवस्था हर जगह पूरी की गई थी। आज कोर्ट में तो उतना ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी उनके फैंस की, क्योंकि सबको मालूम था कि सलमान खान है जोधपुर सेंट्रल जेल में, तो जेल के बाहर महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सब आ गए थे सवेरे से ही। 10:30 बजे सुबह अनुमान था कि फैसला आएगा, लेकिन फैसला कुछ देर के लिए रुका, फिर दोपहर 2 बजे की बात हुई और आखिरकार 3 बजे यह ऐलान कर दिया गया कि सलमान खान को जमानत मिल गई है और कुछ घंटों में उनकी रिहाई हो जाएगी। उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई और आखिर में वो ऑर्डर लेकर, रिलीज ऑर्डर लेकर जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंचे सलमान के वकील और उनके बॉडीगार्ड, जिसके मुश्किल से आधे घंटे में सलमान खान की रिहाई हो गई। रिहाई होते ही सीधे निकले हैं वो जोधपुर एयरपोर्ट के लिए और ये देखिए सलमान खान सुरक्षा घेरे में, पुलिस, सीआईएसएफ और उनकी निजी सुरक्षा,
जो कि उन्हें सीधा जोधपुर एयरपोर्ट के भीतर दाखिल होने में मदद करते हुए। उनकी बहनें पहले ही पहुंच चुकी थीं एयरपोर्ट, जहां पर बताया जा रहा था कि समय का पूरा उपयोग करना चाहती थी कि पहले से तैयारी रहे। और ये जेल से निकलते वक्त की तस्वीरें हैं, जब जेल से निकले थे, गाड़ी में बैठे थे और उसके बाद जाकर, क्योंकि ये सड़क से आगे जाकर फिर अंतिम गेट से निकलते हुए सलमान खान आगे एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। लेकिन ये जेल से जब वो रिहा हुए, ये पूरी कार्रवाई पूरी हुई और रिहा हुए, उसके बाद सलमान खान आकर अपनी गाड़ी में सवारते हुए, आज तक की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, जिसमें जेल से बाहर छूटते हुए, ये देखिए बाहर इंतजार उनका हो रहा था। जैसे ही पूरी कानूनी प्रक्रिया समाप्त हुई, सलमान खान निकले, कुछ लोगों का अभिवादन किया, हाथ लाया और उसके बाद शोर यहां तक सुन सकते हैं आप, शोर वहां तक पूरा, पूरे उस इलाके में जो सलमान खान की एक झलक देखने के लिए सब खड़े थे। और उसके बाद सलमान यहां सामने वाली सीट पर अपना बैठ के वहां से रवाना हो गए, जोधपुर सेंट्रल जेल से जोधपुर के एयरपोर्ट के लिए। दो रातें गुजारनी पड़ी सलमान खान को यहां पर। हालांकि जब पहले दिन सजा का जब ऐलान होना था और उनके बाकी जो सिनेमा के साथी थे वो बरी हो गए थे उस मामले में, उसके बाद सबको ऐसी उम्मीद थी और खासकर सलमान खान के वकीलों को कि दोषी करार दिए जाने के बावजूद मुमकिन है कि दो ही साल की सजा उनको हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 5 साल की सजा उन्हें सुनाई गई और सस्पेंडेड सजा नहीं उस वक्त सुनाई गई थी। बेल का एप्लीकेशन को डाला गया, लेकिन पहली रात उन्हें जेल में ही गुजारनी पड़ी, दूसरे दिन बेल नहीं मिली सलमान खान को और आज का इंतजार था फिर, जब फैसला सुरक्षित रख लिया था जज ने। और बीती रात एक और नाटकीय मोड़ आया, जब अचानक राजस्थान के कई जजों का एक साथ तबादला किया गया, तबादले की घोषणा हुई और उसमें वो जज भी शामिल थे जिन्हें सलमान खान की बेल पर फैसला सुनाना था। तो पशुपेश की स्थिति बन गई थी और फिर आज सुबह से फिर वही ड्रामा चालू रहा। सुबह 10:30 बजे से इंतजार करते करते 3 बजे और 3 बजे आखिरकार जब फैसला आया तो सलमान खान की ये जो 5 साल की सजा है उसे सस्पेंडेड किया गया और उसके बाद साथ ही बेल का, जमानत का ऐलान कर दिया गया। बिश्नोई समाज में जिसने इस पूरे मामले में 20 साल की लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी है, उसमें नाराजगी है, निराशा है। उनका मानना है कि उनकी आस्था पर्यावरण में, उनकी आस्था और दूसरी तरफ एक सुपरस्टार का रसूख, लेकिन भारतीय कानून व्यवस्था एक पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए सलमान खान को यहां पर जमानत मिली है। मामला अभी अदालत में आगे चलेगा, क्योंकि बिश्नोई समाज ने ऐलान किया है कि वो इस मामले के, इस उनकी रिहाई के खिलाफ, सलमान खान की रिहाई के खिलाफ जाएंगे। लेकिन फिलहाल तो सलमान खान को चंद दिनों की राहत है। 7 मई को बताया जा रहा है कि दोबारा सुनवाई होगी इस मामले में, जब सलमान खान आएंगे या नहीं आएंगे उसमें निजी तौर पर ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन 7 मई को दोबारा सुनवाई होगी और तब तक विदेश जब भी उन्हें जाना होगा तो उन्हें इजाजत लेनी होगी। उसके बगैर अभी वो इतने स्वतंत्र नहीं है कि सारे फैसले और सारी यात्राएं अपनी कर सकें, लेकिन कम से कम कुछ दिनों की राहत तो होगी। बताया गया है कि सलमान खान जब 2 रातों तक जेल में थे तो कई दफा खाना पीना नहीं खा रहे थे वो, लेकिन ऐसी जानकारियां भी मिली कि कल 3 घंटे तक नॉनस्टॉप एक्सरसाइज उन्होंने की। तो एक सुपरस्टार का जब मामला होता है तो ऐसी जानकारियां भी निकलती हैं और ऐसी जानकारियों में लोगों की दिलचस्पी भी होती है, और ये हमें बताने की जरूरत इसीलिए नहीं है क्योंकि वो भीड़ अपने आप में खुद बता रही है कि सलमान खान, उनकी जिंदगी, उनकी मुश्किलें, उनकी रिहाई, इन सारी चीजों में लोगों को दिलचस्पी कितनी है।
सलमान खान की ये बहुत और करीब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब वो निकल रहे थे जेल से और सवार हो रहे थे उस गाड़ी में। सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा, जिनके बारे में शुरुआत में लोगों को जानकारी हुई, बाद में फिल्मों में भी नजर आए वो कभी कभार सलमान खान के साथ, और आज भी देखिए एक परिवार के सदस्य की तरह ही उनके साथ दिखते हैं। तो वो पीछे की सीट पर सवार हुए, सलमान खान आगे की सीट पर सवार हुए और गाड़ी निकल ली वहां से। बाहर लोग इंतजार कर रहे थे कि शायद सलमान खान कम से कम खिड़की ही नीचे करके शायद अभिवादन कर दें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो उसके बाद कई लोग तो भागते हुए पीछे उस गाड़ी के चल निकले जिसमें सलमान खान बैठे हुए थे, लेकिन गाड़ी पूरी रफ्तार से वहां से निकली। मुंबई में हिट एंड रन केस के बाद हमने देखा था कि कैसे लोग अपनी अपनी गाड़ियों पर सवार होकर और स्कूटीज पर सवार होकर बिना हेलमेट के भी, और सलमान खान ने उस वक्त एक पूरा वाक्या भी हुआ था जब उन्होंने सुरक्षा पर इशारे से कहा था तो लोग सेल्फी लेते हुए कहीं रेड लाइट पर रुक जाएं तो वहां पर किस तरीके से सेल्फी ले लें, तो लोगों की दीवानगी। सलमान खान भी देख रहे हैं कि मुसीबतें भले ही उनके ऊपर हैं लेकिन इस समय में